हरे कृष्णा, पिगमेंटेशन है आपको और आप चाहते हैं कि मेरी पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ठीक हो जाए, और कैसे भी करके वो ठीक हो जाए, मुझे मतलब नहीं है, बस ये ठीक हो जाना चाहिए और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, और ठीक इस तरह से हो कि वो कभी लौट के भी ना आए। तो चलिए पहले हम एक कमेंट सुनते हैं, फिर चर्चा करते हैं इस बारे में कि आपका पिगमेंटेशन कैसे ठीक हो सकता है। हेलो। हेलो। हाँ जी, देखिए, सबसे सबसे आवश्यक चीज़ है कि आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, आप कैसे करने जा रहे हैं पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए, इसके क्या परिणाम भविष्य में आपके सामने आ सकते हैं जो भी कुछ आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप मत उठाइए, क्योंकि चेहरे का मामला है। मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे हैं जो चेहरे को ठीक करने के लिए जिन्होंने बहुत गलत गलत तरीके इस्तेमाल किए हैं, और आज वो बैठ के रोते हैं, पछताते हैं। तो आप ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। तो आवश्यक है जो नॉलेज इस वीडियो से आपको मिल रही है या जो हमारी वीडियो से आपको नॉलेज मिल रही है, उनका आप उपयोग करें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी, और जो हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है, हमने 10 घंटे पर डे हमने अपने पेशेंट को दिए हैं 4 साल से, उस एक्सपीरियंस का आप उपयोग करें। वीडियो को हम इनकी क्लिप सुनते हैं अपने पेशेंट की, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। राधे राधे। जी सर, राधे। हाँ सर, मेरे तो वही आपको बताना था सर। आजकल मेरे को खेत होने के बाद ना जलन होती है और खुजलाहट आती है। देखिए, इन्होंने कहा था कि आजकल मुझे फ्रेश होने के बाद में जलन होती है और खुजलाहट होती है। आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी इनकी, तो मुझे लगा कि आजकल मुझे फेस पर, इन्होंने कहा था फ्रेश होने के बाद, तो मुझे लगा कि फेस धोने के बाद चेहरे पर जलन होती है और इचिंग होती है, तो मुझे यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न हो गया। अभी मैं इसको बार बार रिपीट करके आप सुनना, आपने भी यही सुना होगा कि फेस पर जलन हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि फ्रेश होने के बाद में मुझे जलन होती है। तो मैं यहाँ पर स्किन की बात कर रहा था, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे और बीच पेशेंट के बीच में हुई। ऐसा पहली बार हुआ 4 साल में, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बट कोई बात नहीं, हम इसको सुधार लेते हैं, क्योंकि हम एक ही बात को हम दोबारा दोबारा पलट पलट के पूछते हैं कि कैसे कैसे कैसे, तो वो जो ट्रुथ होता है वो रिवील हो ही जाता है। और अभी अभी भी मेरे पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुए सर, 10 महीने से दवाई खा रही हूँ, ये 11वां महीने का दवा है मेरी। 10 महीने से दवाई खा रही हैं, 11वें महीने की दवाई ये मंगाएंगी, बट अभी तक पूरी तरह से पिगमेंटेशन ठीक नहीं हुआ इनका। जब तक सेंसिटिविटी ठीक नहीं होगी तब तक पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगी। तो मैं तो बस वही कह रहा था कि जब तक आपकी सेंसिटिविटी ठीक नहीं होगी तब तक आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो ये पता था कि इन्होंने मुझसे ये कहा है कि इनका चेहरा अभी तक सेंसिटिव है, तो मैंने आगे भी इसी के हिसाब से बात की, लेकिन ये वो जो बात थी वो इनके कोई काम की नहीं थी, बट आपके काम की है। आप देसी घी लगा रही हैं? हाँ, लगाना शुरू कर दी सर। घी लगाना शुरू किया है? ठीक है। हाँ बोलिए सर। हाँ, तो जब सेंसिटिविटी आपकी ठीक होगी पिगमेंटेशन में आपको आराम मिल जाएगा। जी, वैसे ज्यादा नहीं है, मेरे को ना 10% रह गया है। मतलब कि केवल 10% पिगमेंटेशन बचा है आपको? जी, बहुत खत्म हो गई है। कितना कितना लंबा समय हो गया ट्रीटमेंट करते हुए? 10 महीने से खा चुकी दवाई, ये 11वें महीने का मैं टेक रही हूँ अभी। तो इन्होंने कहा कि इनका 10 महीने ये दवाई खा चुकी हैं और 90% पिगमेंटेशन इनका ख़त्म हो गया है, गायब हो गया है, अब बचा है केवल 10%। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 90% इनका पिगमेंटेशन 10 महीने में ख़त्म हो गया है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 100% ख़त्म होने के लिए हो सकता है कि अभी इनको 3 महीने या 4 महीने मेडिसिन और खाने पड़े, तो इनका पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ऐसा आपका भी पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है अगर आप सही दिशा में चलें। कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे कि आपकी स्किन को डैमेज हो। है डैमेज किन किन चीज़ों से आपको स्किन में होता है, ये सभी चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी हैं आपको। आप हमारी वीडियोस को देखिए, इस महीने जो वीडियोस अपलोड हुई हैं उससे पिछले महीने जो वीडियोस अपलोड हुई हैं, आप उनको बहुत ध्यान से आप देखिए और सुनिए और समझिए, क्योंकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, समझ में आपको बातें आएंगी, तभी आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। देखिए, पिगमेंटेशन बाकी बीमारियों के जैसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है बाकी बीमारी है, क्योंकि पिगमेंटेशन में ये बीमारी त्वचा से ज़्यादा, आपके चेहरे से ज़्यादा, ये आपके दिमाग की बीमारी बन गई है, आपके सोच की बीमारी बन गई है। आप
चाहे शीशे में देखें या ना देखें, अगर कहीं पर आप गए हैं या फिर अगर आपके घर में कोई आया है तो आपके आंखों के सामने आपका वही चेहरा आता रहता है जो कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है। आप देखिए, आप कभी गौर कीजिएगा इस चीज़ के बारे में कि कोई अगर आपके सामने आया है तो आपके आंखों के आगे उसका चेहरा नहीं होता, आपके आंखों के आगे आपका चेहरा होता है कि ये मेरे चेहरे को इस तरह से दिख रहा है और मेरा चेहरा इस तरीके का दिख रहा है ना। ये होता है सबसे डीप लेवल की फीलिंग और इमोशन। और जैसा जिस लेवल की आपकी डीप फीलिंग और इमोशंस होंगे वैसे ही आपकी बॉडी पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, 11 महीने की दवाई आपके पास हो जाएगी। अच्छा, ये जो आपकी जो सेंसिटिविटी है ना, आप इसको देसी घी आप लगा रही हैं तो इससे सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी आपकी, और जो 10% भी बची हुई है आपकी ये भी ठीक हो जाएगी। मुख्य चीज ये है कि अगर आप अपनी स्किन की सेंसिटिविटी को खत्म नहीं करते हैं तो पिगमेंटेशन नहीं जाता है आपका, इवन और बढ़ सकता है ये। देखिए, ये मैंने पहले कहा है कि ये बात इनके काम की नहीं है, ये बल्कि आप लोगों के काम की है, बट इन्होंने मेरी बात तसल्ली से सुनी क्योंकि मैं क्या बताना इनको चाह रहा हूँ। तो बात यही है कि जब तक आपकी स्किन की सेंसिटिविटी ठीक नहीं होगी, यानी कि धूप में जाने से काला होना या लाल होना, इवन अगर आप धूप में नहीं जाते हैं, अब आप बोलेंगे मैं तो धूप में जाता नहीं हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आप धूप में भी नहीं जा रहे हैं और आपकी स्किन सेंसिटिव है, यानी कि ना तो कोलेजन है आपकी त्वचा के अंदर और आपकी स्किन पतली है, फिर भी ये ठीक नहीं होगी, क्योंकि लगातार एनवायरनमेंट में ऐसे वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी स्किन पर लगातार अटैक कर रहे हैं। और हमारा दिमाग क्या कहता है, अगर हमारी स्किन पर कहीं भी अटैक हो रहा है तो हमारा दिमाग ये कहता है कि भाई मेलेनिन तुम निकलो और उस अटैक के खिलाफ लड़ो, क्योंकि मेलेनिन जो है हमारे त्वचा की रक्षा करता है बाह्य एजेंट से, यानी बाह्य जो शत्रु हैं हमारे, वो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या फिर अल्ट्रावायलेट रेज हो गई जो कि हमारी स्किन पर अटैक कर रही हैं, उनसे बचाव करने के लिए हमारा शरीर में निकलता है मेलेनिन। तो आपके त्वचा को ऐसा मैसेज कभी भी नहीं जाना चाहिए कि मैं आपकी त्वचा अंडर अटैक है। अगर आपके द्वारा या आपके किए गए कृत्यों के द्वारा अगर आपकी स्किन को ये मैसेज जाता है कि आपकी त्वचा अंडर अटैक है, फॉर एग्जांपल आप स्टेरॉइड लगा रहे हैं, है ना, ये आप तो अपनी त्वचा पर अटैक कर रहे हैं, कुछ का कुछ उल्टी सीधी चीज़ें लगा रहे हैं, रगड़ रहे हैं अपनी त्वचा को, ये अंडर अटैक है, आप धूप में आप निकल गए हैं त्वचा को ऐसे ही करके, ये अंडर अटैक है, तो मेलेनिन वहाँ से ओवर प्रोडक्शन होगा ही होगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपको पर रेगुलर घट रहा है, केवल 10% बचा है आपका। हाँ, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुंगेली से बात कर रही हूँ सर। मुंगेली? हाँ जी। ये कहाँ पड़ता है? ये बिलासपुर, बिलासपुर के आसपास है। बिलासपुर कौन से स्टेट? हाँ, बिलासपुर के, ये मुंगेली खुद में जिला है सर। स्टेट कौन सी है ये? सीधी कौन सा? छत्तीसगढ़। अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन को बताई तो बहन ने आपको कॉल किए थे ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो भी दवाई मंगा रही है आपसे। अच्छा, तो उनकी बात तो नहीं होगी, वही होगी, अभी उनको अपॉइंटमेंट लंबा मिला होगा शायद। नहीं नहीं, उससे हो चुकी है अपॉइंटमेंट सर, आपसे बात हो चुकी है उसकी। हाँ, ये लोरमी से, वो लोरमी से है, वो ये मुंगेली से आधा किलोमीटर, आधा घंटे का रास्ता है। जी अच्छा, हाँ वो बता दो तो, कि मेरी सिस्टर आपके इलाज कर रही है उनका। हाँ, 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 हाँ जी, मैं ही बताई सर उसको। ठीक है, तो सर मेरी सेंसिटिविटी खत्म करने के लिए और क्या क्या करनी पड़ेगी सर? सेंसिटिविटी स्किन को खत्म करने के लिए आप 2-4 चीजें कीजिए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपने इसमें लिखवाया था कि आपको पसीना नहीं आता? नहीं सर, अब आने लगा है मेरे को, खूब ज्यादा पसीना आ रहा है। पसीना रेगुलर में? हाँ, एक्सरसाइज भी रेगुलर है मेरा और मेरी खान पान भी बहुत अच्छे से है सर। ठीक है, चलिए आप 2-3 चीजें करिए स्किन की सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए। सबसे पहली चीज तो देसी घी लगाइए, रात को गाय का शुद्ध देसी घी। घी केवल देसी की घी को अकेले ही लगाना सर? हाँ, और कुछ अकेला, करके अकेला अकेले ही लगाएंगे सर। ठीक है सर। इसके साथ में मैंने वीडियो में बताया था कि आप विटामिन सी ले सकते हैं दिन में। हाँ जी, ले रही हूँ, रेगुलर लेती हूँ सर विटामिन सी। कितने समय से ले रही हैं? अच्छा, आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ये जो है इनकी उम्र आपको कितनी लग रही है?
फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनकी उम्र एक्चुअल में कितनी है, इनकी आवाज़ से आप इनकी उम्र की पहचान कर पा रहे हैं क्या। और मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोग सही उत्तर ही देंगे, तो आप मुझे बताइए कि इनकी आवाज़ से इनकी उम्र आपको क्या प्रतीत हो रही है। बहुत दिनों से, काफी दिनों से ले रही हूँ मैं विटामिन सी। तो विटामिन सी को आप कुछ दिन पहले छोड़ना है, फिर लेना है, उसके बाद में आप बीकासोल ले सकती हैं। आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल रहता है ना? हाँ, सब नॉर्मल रहता है सर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बीकासोल ले लीजिए बस, आप ये आपके सेंसिटिविटी स्किन ठीक हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो 10% पिगमेंटेशन बचा है आपका, ये 2-3 महीने में और पूरी तरीके से चला जाएगा, क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है सर। तो सुनिए ना सर, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, जो मेरा प्रॉब्लम है ना सर, उसके नाम से कुछ दवा एक करेंगे क्या? और बताइए क्या प्रॉब्लम है। मुझे बताइए ना, फ्रेस होने के होकर आने के बाद ना मेरे को जलन होती है, काफी देर तक जलन बनी रहती है, खुजला। फ्रेश होने के बाद में काफी जलन होती है, खुजला। देखा, इन्होंने शुरुआत में ही ये कहा था, बट वहाँ पर इनकी आवाज़ ब्रेक हो गई थी, तो इसलिए पूरी तरीके से समझ में नहीं आया। अब इन्होंने बस ये चीज़ कही कि सर आप मुझे इसके बारे में तो बताइए, आप जो फ्रेश होने के बाद में जो जलन जो होती है उसका मैं क्या करूँ। मैं इसमें आपकी मेडिसिन ऐड करवा देता हूँ। जी जी, वही इसीलिए मैं आपसे जल्दी ही बात करना चाह रही थी कि इस समय की मेरी दवा में मेरी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा कि ऐसा करके, तो आज इसलिए मैसेज की मैं। ठीक है, कोशिश करें कि आप, हाँ वैसे डाइट तो आपकी अच्छी है, तो मसाला तो खा ही नहीं रही हो, तो सही होंगी अपने आप। नहीं, ज्यादा मसाला नहीं लेती सर, सामान्य ही खाना रहता है हमारा। हाँ जी, क्योंकि मुझे बताने से पहले आपने खुद सॉल्यूशन करने की कोशिश की होगी इस प्रॉब्लम की, डाइट में चेंज करके। जी जी, ये मेरे मिस्टर मेडिकल वाले हैं ना सर, तो कुछ कुछ दवा मेरे को देते रहते हैं। वैसे ज्यादा दिन नहीं हुआ है ये प्रॉब्लम को, मेरे को 10-15 दिन हुआ है। वो सर फास्ट एक्शन करके ट्यूब आती है, उसको लगाने बोल रहे हैं, तो लगाती हूँ तो कुछ आराम मिलता है मेरे को। वैसे तो कुछ कुछ दवा तो ये मेरे को देते ही रहते हैं वैसे। ठीक है, आप मुझे बताइएगा, जलन जलन हो रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वहाँ पे अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, वो छिल रहा है। अगर ये सही नहीं होता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? जब दवाई आपके पास में पहुंच जाएगी तो उसके 4-5 दिन के बाद में मुझे अवश्य बताइएगा कि मेरे को आराम नहीं मिला है, या फिर अगर आराम मिल गया तो कोई बात नहीं है, आराम नहीं मिला तो बताइएगा मुझे। जी, फिर मैसेज करूंगी सर। हाँ जी, मैसेज कीजिएगा, ऑडियो मैसेज कर दीजिएगा, कॉल भी कर दीजिएगा, तीनों चीज़ कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये चीज़, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, क्योंकि देखिए ये चीज़ इग्नोर नहीं की जा सकती है, इसका जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। हाँ जी सर, चलिए ठीक है। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हाँ, तो आज मैंने आपको कमेंट पूरा सुनवाया, समय भी काफ़ी लंबा हो गया, तो मैंने यहाँ पर इनसे यही कहा कि जब तक आपकी स्किन की सेंसिटिविटी ठीक नहीं होगी, पिगमेंटेशन आपका पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। और सेंसिटिविटी को ठीक करने के लिए आपको बस यही चीज़ें करनी है, रात को देसी घी लगाना है, विटामिन सी लेना है, बीकासोल लेना है, और बस आपकी सेंसिटिविटी ठीक हो जाएगी। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि हमारी मेडिसिन आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इन्होंने बीच में समस्या बताई थी अपनी कि इनको पसीना भी नहीं आता है, तो पसीना ना आने के लिए इनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया तो 3-4 महीने के अंदर इनको काफ़ी अच्छे से पसीना आना शुरू हो गया। अब देखिए, हमारे पास में जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि पसीना उनको 4-5 महीने तक भी नहीं आता, 6 महीने तक भी नहीं आता, उसके बाद में कहीं आना शुरू होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपको आराम कब पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको 2 महीने आपने ट्रीटमेंट कर लिया, आराम नहीं आ रहा है, 3 महीने आपने कर लिया, आराम नहीं आ रहा, 3 महीने तो हम पहले से आपको बता के चलते हैं कि आराम दिखने में कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं दी जा रही है कि वो टेम्परेरी सॉल्यूशन आपका करती हो। सॉल्यूशन आपको परमानेंट मिलेगा, इसलिए आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि जब चीज़ें आपकी अंदर से ठीक होंगी तभी आपका प्रॉपरली चेहरा आपका पूरी तरीके से ठीक होगा। अभी ये जो इनका जा रहा है 10 महीने में 90% कम हो गया, ये पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है, जो कि लौट के कभी आने वाला है नहीं, ठीक है ना। और इनकी उम्र मैं आपको बता देता हूँ, इनकी उम्र जो है वो 51 वर्ष है, 51 ईयर, आपको आवाज़ से पता भी लग गया होगा और आपने कमेंट भी किया होगा, तो इनकी उम्र है 51 साल। देखिए, जब 51 साल की इनकी शरीर की इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज है इस समय और सब कुछ है, जब ये आप ये ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं, तो आपको
हार नहीं माननी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए आपको। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप ठीक हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। मैं आपको फिर से मिलूँगा। कोलेजन पर मुझे वीडियो बनानी है कि कोलेजन अपने बॉडी के अंदर नेचुरली कैसे बूस्ट करें। सप्लीमेंट नहीं बताऊँगा मैं आपको, नेचुरली कैसे बूस्ट करें ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका परिवार हंसता खिलता रहे, परमात्मा सभी का भला करे।